हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक है पे है। तो आज मैं लेके आई हूँ कि आप अपने जो गंदे वाइट कलर के कपड़े जिसमें दाग धब्बे लग गए हों उनको कैसे चमकाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कि आप ये देखिए शर्ट कितना कॉलर गंदा है, और यहाँ पर तो देखिए पान का दाग लग चुका है। इस वाले जो शर्ट है उसके बाजू पे पूरा दाग लग चुका है बुरी तरीके से, और बीच बीच में बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। तो आज मैं इन्हें वॉश करके दिखाने वाली हूँ कि आप इन्हें कैसे क्लीन करें। और कॉलर देखिए कितना गंदा हो रखा है। मेरे पास दो शर्टें हैं और उसके साथ में तीन चार रुमाल हैं जो कि हम लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बाल्टी में पानी लिया है, जस्ट नॉर्मल वाटर है ये, इसे कोई गर्म वगैरह नहीं करना है। और आप जो डिटर्जेंट यूज करते हो, मैं यहाँ पर रिन यूज़ करती हूँ, तो हमें वही डिटर्जेंट ले लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिन लिया है, और रिन मैंने दो शर्ट के अकॉर्डिंग लिया है, दो टू स्पून, और इसे अच्छे से डिजॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं, इसे हाथ से आप अच्छे से डिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, अच्छे से डिजॉल्व करने के बाद में हमें लेना है रिन आला। ये एक लिक्विड ब्लीच होता है रिन आला, जो कि आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, किसी भी शॉप पर ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो ये मैं रिन ले रही हूँ, जिसे मैं दो ढक्कन यूज़ करूँगी। अगर आपकी एक शर्ट है तो आप एक ही यूज़ कीजिएगा, अगर आपके पास दो शर्ट है और कुछ ज़्यादा क्लॉथ है तो आप दो ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो ढक्कन ले रही हूँ, और मैं इसे अपने हैंड से ही डिजॉल्व कर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कपड़े हमें हाथ से ही धुलना है। और ये जो रिन आला ब्लीच होता है ये बहुत लाइट होता है, डायल्यूटेड होता है, तो ये हाथों पर इतना इफेक्ट नहीं करता है। तो आप इन्हें हाथ से ही ऐसे डिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो रुमाल लिए हैं, उन्हें मैं डिसॉल्व कर दिया है, अच्छे से इसे पानी में डाल दिया है, जो हमारा ब्लीच वाला पानी था उसमें ले लिया। मेरे पास टोटल चार रुमाल थे और दो शर्टें थी वाइट कलर की, एक थोड़ी क्रीम कलर की शर्ट है और एक वाइट कलर की शर्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी। इन्हें मैं आज चमकाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इन्हें आप अच्छे से भिगो दो, जैसे पानी में भिगो के रखते हैं ना कपड़े, उस तरह से। मैंने यहाँ पर अपनी दोनों शर्ट और चार रुमाल अच्छे से, जो ये मेरा ब्लीच वाला वाटर था, उसमें भिगो दिए हैं। और इसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, ओनली आपको 10 टू 15 मिनट रखना है। अगर आपके शर्ट पे हल्दी के दाग या फिर तेल के दाग, कैसे भी दाग लगे हुए हैं, तो आप इन्हें वाटर में आधा एक घंटे के लिए नहीं रखना है, बस 10 टू 15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद में इन्हें हम वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैं इसे भिगो के रख दे रही हूँ 10 टू 15 मिनट के लिए, और ये देखिए दाग कितना गंदा दिख रहा है, इसे हम क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे 10 टू 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद में आप देखिए जो छोटे छोटे दाग हैं ना, वो तो अपने आप ही निकल जाते हैं, आपको ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है। और जो थोड़ा ज़्यादा दाग होते हैं उन्हें आप कुछ इस तरह से आप वॉश कर सकते हैं, जैसे मैं कि मैं वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर रखी है, तो आप देख सकते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के वॉश कर सकते हैं। आपको कोई दाग ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप लाइट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर टूथब्रश यूज़ किया था, बिकॉज ऑफ हमारे जो ये पान का दाग था वो बहुत ज़्यादा डार्क था और निकल नहीं रहा था, तो इसे मैं 5 से 6 मिनट तक ब्रश से साफ़ की, उसके बाद में ये निकल गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने हैंड से पहले क्लीन किया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लीच है ये कपड़ों को बहुत ज़्यादा चमका देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है। आप इसमें सिर्फ वाइट कलर के कपड़े वॉश कर सकते हैं, और अदरवाइज़ और कलर के कपड़े वॉश नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से अगर आपके दाग हैं, देखिए कितना ज़्यादा निकल गया है, फिर भी मैंने इसे हाथ से घिसते घिसते बहुत ज़्यादा निकल गया है। और अब बाकी कपड़े मैं ऑलरेडी सब घिस चुकी थी, ऐसे मैंने हाथ से ही इनको घिसा। यहाँ पर फिर मैंने टूथब्रश लिया है, टूथब्रश से मैंने इस दाग को क्लीन किया है, और यहाँ पर देखिए दाग कुछ इतना लाइट हो गया है। थोड़ी देर बाद और क्लीन घिसने के बाद ये पूरा एकदम क्लीन हो गया था, आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा दाग निकल चुका है, और बीच बीच में जो भी थे वहाँ पर मैंने अच्छे से घिस दिया था। तो सारे जो दाग थे इसमें, जो थोड़े थोड़े दाग लगे थे और जो गंदापन था, कॉलर का दाग था, वो सब निकल गया था। उसके बाद में हमें इन्हें अच्छे से निचोड़ के साइड में रख लेना है, जैसे कि मैं निचोड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े जितने भी हैं वो मैंने निचोड़ के साइड में रख लिए हैं, और ये वाला पानी हमें फेंक देना है। देखो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद में हमें अगेन फिर से अच्छा वाटर लेना है, एकदम क्लीन वाटर लेना है, क्योंकि कपड़ों पे ना डिटर्जेंट रहना नहीं चाहिए, ना ही ब्लीच रहना चाहिए। अगर कपड़ों पर डिटर्जेंट रहता है तो वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पीला पीला हो जाते हैं, और ब्लीच है वो लग जाता है, तो उससे कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से एक पानी मैंने वॉश कर लिया है, अच्छे से भिगो के निचोड़ लिया है। उसके बाद में
मैं दूसरे पानी में भी वॉश करूँगी, क्योंकि अगर आप दो बार कपड़े अच्छे से निचोड़ लो, पानी में निकाल दो अच्छे से, तो उससे क्या होता है कपड़ों पे बिल्कुल भी डिटर्जेंट नहीं रहता और आपके कपड़े काफ़ी अच्छे चमकदार बने रहते हैं। देख सकते हैं मैंने दोबारा पानी लिया है, उसमें अपनी जो मैं शर्टें हैं वाइट कलर की शर्टें हैं उन्हें फिर से भिगो के अच्छे से निचोड़ रही हूँ, क्योंकि दो बार पानी लेने से आपके कपड़े कुछ ज़्यादा अच्छे से चमकते हैं, डिटर्जेंट पूरा अच्छे से रिमूव हो जाता है कपड़ों में। और यहाँ पर मैंने कपड़े देखिए सारे निचोड़ के रख दिए हैं और ये मैं सुखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ धूप है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हो रही थी बारिश तो धूप नहीं थी, अगर आप वाइट कलर के कपड़े धूप में सनलाइट में अगर सुखाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा चमकदार बनते हैं। बस रंगीन कपड़ों को आप धूप में नहीं सुखाएं, नहीं तो उनका कलर निकल जाएगा। वाइट कलर के कपड़े आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और यहाँ पर शाम भी हो गई थी प्लस बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम चमक गई है दोनों शर्टें, सारे रुमाल। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम धुलते हैं रिन में कपड़े। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।